ठीक रामबन में सेकेंड जो हमारी कोविड की वेव आई उसमें 3,703 टोटल केसेस जो है वो पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए, जिसमें से 3,557 जो है वो फुली रिकवर हुए। अभी हमारा जो एक्टिव जो केसेस हैं, जो केस लोड है वो 102 है। अनफॉर्चुनेटली हमारी 46 डेथ्स भी हो गई हैं, तो हमारी जो ओवरऑल सिंस इंसेप्शन जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.14 है और हमारी जो मोर्टैलिटी रेट है वो 1.24 है। और इस वाली जो सेकंड सर्ज में हमारी रिकवरी रेट जो है वो 95% से ज़्यादा है। जहाँ तक आपने सेकंड वेव का जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज पर दी ऑर्डर्स इशूड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी वो सारे इकदाम ले रही है, स्टेप्स ले रही है जिससे हम इस सेकेंड कोविड वेव को डिफीट कर सकें, और इसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। हमारा नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी है, और उसके अलावा हमारा जो वीकेंड कर्फ्यू लगता है वो भी हम विद दी एक्टिव सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करें। रामबन में 1844 की जब से विंडो शुरू हुई है वैक्सीनेशन की, इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली है, एनकरेजिंग रिजल्ट्स हमारे आए हैं। हमने अपने टारगेट के अगेंस्ट कोई तकरीबन 29,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिए हैं, विच इज़ मोर देन 20% ऑफ दी टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन ऑफ 1.42 लाख। ऑन एन एवरेज हर दिन हम तकरीबन 2,500 से 3,000 के बीच में 18 से 44 की कैटेगरी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमारी कोई 90 वैक्सीनेशन साइट्स इस वक्त एक्टिव हैं। उसके अलावा कोविड की जो रेट ऑफ इन्फेक्शन उसको फर्दर असेस करने के लिए हमने अपनी जो रैट की और आरटीपीसीआर की सैंपलिंग है वो भी बढ़ा दी है। जैसे कल हमने कोई 1240 टेस्ट किए जिसमें 349 आरटीपीसीआर के सैंपल्स थे और अराउंड 891 जो थे वो रैट के सैंपल्स थे। हमारा जो टारगेट आरटीपीसीआर सैंपलिंग का है वो 200 का है और हम मोर और लेस हर दिन उसको एक्सीड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। जैसे कल हमने 382 आरटीपीसीआर टेस्ट किए थे, तो इससे हमें एक फेयर इंडिकेटर मिलता है ऑफ दी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। कोविड की सेकेंड सर, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट का और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का जो फोकस है वो है इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम हर दिन सोशल मीडिया हैंडल्स के हवाले से, ऑन ग्राउंड में आईईसी एक्टिविटीज़ के हवाले से लोगों को इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान जो है वो लेना चाहते हैं कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने पायलेटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस हम डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोई 1,00,000 रुपए का फाइन लगाते हैं। अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन में 26,96,000 तकरीबन 27,00,000 रुपए का फाइन लगाया है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फाइन जो है वो हमने पिछले 10-15 दिन में ही लगाया है। हमने अपने क्राउडेड प्लेसेस को, हिल स्टेशंस को जहाँ पर लोग आते हैं उनको टारगेट किया है, हमने बसेस को टारगेट किया जहाँ लोग ओवर जो लोडिंग करते हैं जिससे इन्फेक्शन के फैलने का खतरा है। उसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है जिससे हम एक एक्चुअल असेसमेंट करें इन्फेक्शन की, वो है कि जो हमारी रैट की जो 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 टेस्टिंग का जो टारगेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब हमें हर दिन 2,000 रैट के टेस्ट करने हैं एंड दी सैम्पलिंग दी आरटीपीसीआर सैम्पलिंग हैज़ टू बी 25% ऑफ दी ओवरऑल रैट सैम्पलिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आरटीपीसीआर का टारगेट है वो भी बढ़ गए को 500 के आसपास हो गया है। तो जब हम इतने टेस्ट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा जो है वेयर डू वी स्टैंड सो फार एज कोविड-19 इन्फेक्शन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की है
मेंटली वी विल हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द थर्ड वेव. थर्ड वेव ना आए उसको हम कंट्रोल करें, उसके लिए 15 प्रोमिसेस की कमिटमेंट लोगों से मांगी गई है. हम भी अपने फेसबुक पेजेस पे, सोशल मीडिया के हैंडल के हवाले से, डायरेक्ट्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के हवाले से प्रेस नोट्स इशू करते रहते हैं आईसी एक्टिविटीज़ के थ्रू, कि जो ये 15 प्रोमिसेस हैं उसमें ये जो स्टैंडर्ड प्रोमिसेस हैं, जैसे आपको मास्क बिल्कुल लगाना है, ख़ासतौर से अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में हैं, अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी है, क्योंकि बाई स्टेइंग इंडोर्स कोई आपको कोई डोंट गो थ्रू द फेज ऑफ डिप्रेशन, आपको साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी है. इसके साथ कोई स्टिग्मा एसोसिएट ना किया जाए. आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर हो जाता है तो लोग दूरी इख्तियार करते हैं, ऐसा नहीं है. When a patient fully recovers from COVID-19, is as good as any other citizen of the society. तो जो इसको stigmatize किया जाता है उसको दूर करने के लिए, plus जो preventive voluntary measures लेने हैं, you don't have to be in denial mode. किसी को denial mode में नहीं रहना है. अगर उसको लगता है कि उसे COVID के symptoms हैं तो immediately he should get himself tested. और उसके अलावा अगर उसके घर पे एडिशनल बेडरूम की या वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वी कैन इमीडिएटली यू नो सीक एडमिशन इन अ पंचायत कोविड केयर सेंटर. तो ये सारे इकदाम हमको करने हैं. वी डोंट हैव टू लोअर गार्ड. लोग कंप्लेसेंट हो रहे हैं और उनसे उनको उस चीज़ से उनको बचना है. थर्ड वेव से बचने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मास्त्र हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन. हमने जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 18 टू 44 कैटेगरी में हमें बहुत ही शानदार इंकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 45 प्लस में हमारा बैकलॉग है उसे भी इमीडिएटली हम वैक्सीनेट करें. थर्ड वेव में वैक्सीनेशन विल बी द बिगेस्ट प्रोटेक्शन टू सेफ गार्ड आवर लाइफ्स. हमने जो स्टेटिस्टिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल है हमने उसमें देखा है कि जितने भी लोगों की डेथ्स हुई है अक्रॉस द कंट्री और यूपी में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट मोर देन 99% ऑफ द पीपल हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड. उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई. वैक्सीनेशन जैसे कि मैंने कहा विल बी द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोविड-19 इन्फेक्शन. एक्चुअली हमारी साइट्स जो थी वो बिटवीन 65-70 एक्टिव रहती थी, लेकिन जब से हमें 1844 की कैटेगरी में इनकरेजिंग रिजल्ट मिले हैं सो हमने अपनी साइट्स भी बढ़ाई हैं. इस वक्त हमारी टोटल एक्टिव साइट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में 90 है. अभी लो हैंगिंग फ्रूट की स्टेज चल रही है. बहुत सारे हमारे यूथ, ये बड़ी खुशाइन बात है, और 1844 कैटेगरी के बहुत सारे लोग वॉलंटियर करके हमारी वैक्सीनेशन साइट्स पे खुद आ रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू टारगेट दोज पीपल जो थोड़े इनएक्सेसिबल, आपको जैसे पता है रामबन डिस्ट्रिक्ट एंटायरली हिली डिस्ट्रिक्ट है, तो जब हमें ये लगेगा कि वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल, हमें डोर टू डोर कैंपेन शुरू करना है, तो हम वो एक्टिविटी भी शुरू करेंगे जिस तरह हमने 45 प्लस कैटेगरी में किया था. और हम हर उस शख्स को हु नीड्स दिस वैक्सीनेशन उसको हम डोज एडमिनिस्टर करेंगे. मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन न सिर्फ उनकी अपनी प्रोटेक्शन है बल्कि ये उन लोगों की भी प्रोटेक्शन है जो किसी हेल्थ इश्यूज के कारण या किसी और मेडिकल कंडीशन के कारण वैक्सीनेशन नहीं लगा सकते हैं, तो वो उनकी भी प्रोटेक्शन है. प्लस जो बंदा भी वैक्सीनेट हो जाता है तो वो अपनी प्रोटेक्शन तो इंश्योर करता ही है और साथ साथ अपनी सोसाइटी की भी वैक्सीनेशन को इंश्योर करता है. मैं तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो वो भी इमीडिएटली अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि उन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कम्स इनटू इंटरेक्शन और इंटरफेस उसका पब्लिक के साथ होता है, तो जब वो वैक्सीनेट होगा तो वो खुद सेफ होगा, और जब उसकी सेफ्टी होगी तो बाकी एम्प्लॉयज़ की भी सेफ्टी होगी. हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उसकी वैक्सीनेशन करें. डायरेक्शंस इशू की गई हैं टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, के सेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू शेयर द लिस्ट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल दोज पर्सन्स हू बीन वैक्सीनेटेड. तो इसी तरह क्राउडेड प्लेसेस में, बस स्टैंड्स में, शॉपकीपर्स, ढाबा वालर्स, रेस्टोरेंटियर्स, होटलियर्स, उन सब की हम प्रायोरिटी जो